साहस सरोकार। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यभार संभाला, सचिवालय पहुंच औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर टेबल टेनिस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। कर्नाटक में बेंगलुरु में चक्रवात मैनरूस के प्रभाव के बाद बारिश हुई, बारिश से थमा शहर। शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा, पति पत्नी और बच्चे की घटनास्थल पर मौत। आग से निपटने के इंतजामों को परखेगा फायर विभाग, शहर के बिना फायर एनओसी चल रहे कई अस्पताल। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का मेगा प्लान तैयार किया गया है, जहां बड़े निकाय वाले शहरों का मुख्यमंत्री योगी दौरा करेंगे। सीएम योगी 13 दिसंबर के बाद बड़े शहरों में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। बता दें कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी नगर निकाय चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार करेगी। देखना यह होगा कि चाचा भतीजे की जोड़ी इस बार बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, बीजेपी ने अपना नगर निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लान तैयार कर रही है। जी जी नंदिनी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से लंबद्ध हो चुकी है, तो अभी रविवार को एक बैठक की गई है। बैठक में प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री, उन्होंने साथ में बैठक की है और पूरा दिन ये बैठक चला है। बैठक पर ये मंत्रणा चली है कि सीट किसको जो है टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, तो बहुत सारी बात विमर्श वहाँ पर हुआ है, उसके लिए उसको निर्देशित भी किया गया है। हालांकि अभी जो पूरा मेगा प्लान बन रहा है वो सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय चुनाव है उसका पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर रहेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिलों में, हर चुनाव में, हर उपचुनाव में एक स्टार प्रचारक की सूची में पहले नंबर पर आते थे, उसी तरह से अभी नगर निकाय चुनाव के लिए भी उनको तैयार किया जा रहा है। और एक पार्टी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 13 तारीख यानी कल मथुरा में प्रबुद्ध जन को संबोधित करने के बाद से और लगातार वो जनसभाएं करेंगे नगर निकाय चुनाव के लिए, महापौर के लिए। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं और हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, तो ऐसा नगर निकाय चुनाव में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जनसभाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सीटें अभी तक उनसे अछूती थी वो सीटें भी उनके खाते में आ सकती हैं। रितेश, वो कौन से बड़े बड़े शहर होंगे जिनमें सीएम योगी जाकर वहां पर रैलियां करेंगे, जनसभा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो अभी गोरखपुर से अगर देखा जाए तो गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, ये सब शहर होंगे, बड़े बड़े शहर। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर जनसभाएं कर सकते हैं, क्योंकि ये दो सीटें इनके खाते में नहीं, ये दो सीटें महापौर की बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। हो सकता है इस पर कब्जा पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे और वहाँ बड़ी जनसभा को संबोधित करें। हालांकि प्रायर ब्रांड नेता रहे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से अब बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने गए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से अभी जो एक नया से आया है लाइन ऑर्डर बचाने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि जो CCTV कैमरे लगवाए जा रहे हैं चौराहों पर, तो एक वो भी मुद्दा बन सकता है सुरक्षा के लिए महिलाओं को। तो उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर इस चौराहे से आपने कोई घटना की है तो अगले चौराहे पर आपको दबा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल भी हो रहा है और इससे सीख भी ले रहे हैं लोग कि आखिर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से काबिज करना चाहिए। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़े शहरों में, जो बड़े बड़े निकाय के शहर हैं, वहाँ पर जा करके वो दौरा करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वोट बैंक को बटोरने में वो काबिज होने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी अलीगढ़ में वो जरूर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी उनकी सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल पूरे महानगरों में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो और जनसभा का संबोधन किया जा सकता है। रितेश, देखा जाए तो इस बार सपा और बीजेपी की कड़ी की टक्कर है। देखा जाए तो जिस तरीके से शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो चुकी है, तो क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और प्रसपा का जो विलय हुआ है आपस में, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये पहले भी एक थे, लेकिन बाहर बाहर में दिखाने के कुछ थे और ऐसे कुछ था। हालांकि इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन ये राजनीति का दौर है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखा जा सकता है कि दोनों पार्टियाँ कैसे किस तरीके से आपस में कार्य करती हैं। फिलहाल अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री नंबर वन पर रहेंगे, उसके बाद दो उप मुख्यमंत्री रहेंगे और जो बड़े शीर्ष नेता हैं और जो मंत्री हैं वो सारे डिपार्टमेंट के, उनको भी इस कार्य में लगाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए जो 762 निकाय हैं पूरे जिलों में, 75 जिलों में, वहाँ पर पूरे मंत्री और जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सब जुटेंगे और नगर निकाय चुनाव की एक एक सीट को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिंपल यादव को शपथ दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाह को 2,88,461 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया था। बता दें कि आज डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके लिए आज डिंपल यादव ने शपथ ग्रहण किया है। बता दें कि शपथ ग्रहण में उनको ओम बिरला ने शपथ ग्रहण दिलवाई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, आज डिंपल यादव ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ शपथ ग्रहण किया गया है और ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की जो सीट थी, उपचुनाव हुआ था मैनपुरी में, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है और बलराम सिंह यादव की बहू है, और निश्चित रूप से यहाँ पर जैसा देखा जाता है चुनाव में कड़ा घमासान था बीजेपी और सपा के बीच। यहाँ पर डिंपल यादव ने बाजी मारी थी और यहाँ पर जीत कर आई थी और उसके बाद प्रक्रिया के तहत यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है, जिसके तहत यहाँ पर उन्होंने दिल्ली में संसद भवन में उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और शपथ ग्रहण वहाँ पर उन्होंने किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस दौरान रायबरेली से सांसद और संसद भवन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पैर भी छुए, तो कहीं ना कहीं एक जो परंपरा है उसको भी निर्वाह किया, बड़ों का आशीर्वाद भी लिया और साथ ही साथ ये जो एक कहा जाता है ना कि एक जुड़ाव, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव भी दिखाता है कि जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, मैनपुरी में नहीं उतारा था, खतौली नहीं उतारा था, रामपुर नहीं उतारा था, तो जिस तरह से यहाँ पर एक तरफा तरह से यहाँ पर केवल घमासान बीजेपी और सपा के बीच हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी एक ओबलाइजेशन या एक आदर के तहत यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छुए और यहाँ पर तीसरी बार डिंपल यादव ने शपथ ली है। शपथ तीसरी बार इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर 2012 में भी सांसद के चुनाव के जीत कर गई थी, इसके अलावा 2014 में भी चुनाव जीती थी कन्नौज से, इसके अलावा अब तीसरी बार उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज करके बता दिया है कि डिंपल यादव को मैनपुरी और तमाम जो संघर्षों की बात कही जा रही थी जो सहानुभूति वोट भी मिला है और एक जो प्रसपा और सपा का जो एक जुड़ाव हुआ है, चाचा भतीजा जो एक हुआ है, उसका यह लाभ भी मिला और डिंपल यादव जीत कर आई थी। फिलहाल शपथ ग्रहण कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें शपथ ग्रहण किया और वो सांसद के रूप में मैनपुरी से बन गई है। गौरव, देखा जाए तो एक विरासत जो मैनपुरी की जनता ने डिंपल यादव को दिया, कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए? देखिए, विरासत वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है और ये सीट की अगर हम बात करें तो पुश्तैनी सीट रही है मुलायम सिंह यादव की, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रोधा रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री, चार बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी और हाल में उनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया, तो उसके बाद से ये सीट रिक्त हो गई। तो यहाँ पर चुनाव हुआ और यहाँ पर बीजेपी सपा का घमासान रहा, जहाँ डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से यहाँ पर बीजेपी के रघुराज शाह को हरा के ये दिखा दिया था कि जो सीट जहाँ की होती है तो वहाँ जीत कर ही आते हैं और यहाँ पर मैनपुरी जीत पर जीतने के तमाम दावे बीजेपी के द्वारा किए गए थे, पर तमाम दावे, तमाम कयास यहाँ धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में परंपरागत जो सीट उनकी चली आ रही थी, जो
विरासत चली आई, जो बिहार को विरासत को बचाए रखा, साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी को नुकसान और दिया है। खतौली से सपा और आलोट के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज कर बता दिया है कि भले ही चुनाव 6-8 महीने पहले हुए, वहाँ पर विक्रम सिंह जीत के राय पर जनता अगर चाहती है तो कहीं भी बदलाव कर सकती है। गौरव, देखा जाए तो अभी नगर निकाय चुनाव और जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी में प्रसपा विलय हो चुकी है, तो क्या लगता है आगे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए सुखद एहसास है कि प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जो कि जिसका अगस्त 2018 में गठन हुआ था, शिवपाल सिंह यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और निश्चित रूप से यहाँ पर देखा जा रहा था कि एक तलखी थी, एक मतभेद थे, जो मतभेद लगातार विपक्ष के निशाने पर थे, सत्ता पक्ष लगातार यहाँ पर उसको लेकर टारगेट किए रहता था, लक्ष्य बनाए रहते थे। यहाँ पर हमेशा बात की जाती थी कि अखिलेश अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश कैसे संभालेंगे, पार्टी संभालेंगे, तो यहाँ पर तमाम कयासों को डकरा करते हुए यहाँ पर जिस तरह मैं देखा शिवपाल सिंह यादव जुड़ गए, उन्होंने सपा का झंडा भी थाम लिया है, सपा में हो गया, और जल्दी जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये सपा का सुखद एहसास तो करें बीजेपी के लिए अब आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रसपा के चले जाने से खासा सपा का नुकसान यहाँ पर हो रहा था। जिस तरह मैं देखिए यहाँ पर रामपुर आजमगढ़ में जिस तरह से लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर रामपुर से घनश्यामनाथ सिलोटी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव दिलरुआ जीत कर आए थे, और यहाँ से इस समय पर गोला गोकंडा में चुनाव हुआ था जहाँ पर दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव आने के बाद सपा मजबूत हुई है और आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौती जिससे भी बनेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। कानपुर में ऐतिहासिक धरोहर में से एक फूलबाग स्थित गांधी भवन बिल्डिंग लाइट एंड साउंड शो के जरिए जगमगा उठी। इसमें कानपुर का लगभग 200 सालों का इतिहास लेजर शो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मंडलायुक्त राजेश शेखर ने बताया कि गांधी भवन बिल्डिंग बहुत सी चीजों का गवाह है, साथ ही इस बिल्डिंग से कानपुर की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा इसको पब्लिक को समर्पित किया गया है, जिसके बाद आज पहला प्रीमियम शो प्रदर्शित किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यह 1 जनवरी तक पब्लिक के लिए निःशुल्क रहेगा। हम सब लोग जो है आज गांधी भवन जो एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका जो है दशकों का इतिहास है, कि जहां से बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हुई हैं कि जो फ्रीडम फाइटिंग से लेकर वर्तमान तक ये एक स्थान जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए गवा रहा है। तो इसका एक बहुत ही रोमांचक हिस्ट्री भी है और इससे बहुत सारे कानपुर के यादें जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो गांधी भवन जो पहले KEM हॉल कहलाता था, उसी गांधी भवन पर जो एक प्रोजेक्शन मैपिंग का स्कीम जो है कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, जिसका 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका पब्लिक को जो है समर्पित किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, गांधी भवन को 1 जनवरी से पब्लिक के लिए कर दिया जाएगा। मैं बता दूं कि कानपुर के फूलबाग पे एक गांधी भवन बना हुआ था, जो कि काफी कानपुर की पुरानी धरोहर है, जिसको धरोहर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ ने इसको इनोग्रेशन किया था। उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने कहा था कि जितने भी पौराणिक चीजें हैं शहर के अंदर, उसको कहीं ना कहीं देखा जाए और उसको लोगों के बीच में रखा जाए, जिसके चलते कानपुर का जो गांधी भवन है उस भवन को काफी सुसज्जित किया गया है और वहाँ पे लाइट सेरेमनी की गई थी। लाइट सेरेमनी के तहत वहाँ पे कानपुर के दोनों सांसद मौजूद थे और कहीं ना कहीं राजशेखर ने भी योगी आदित्यनाथ के जो भी आगे के लिए देश को बढ़ाने के लिए और शहर बढ़ाने के लिए जो भी दावे थे उसके तहत खड़े उतर रहे हैं, और जिसको लेके ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अब 1 जनवरी से वो पब्लिक इसको देख सकेगी, पूरी जनता इसको। जी, ये लाइट एंड साउंड तो होगा, और जैसा कि फुटेज में विजुअल में कल देखा गया और हमारे दर्शक भी इसको देख सकते हैं कि काफी सुसज्जित दिख रहा है ये गांधी भवन, और इसी तरीके से कानपुर की जितनी भी पुरानी धरोहर होगी सबको इसी तरीके का रूप दिया जाएगा और सभी पूरी जनता के रखा जाएगा। अनिल, बने रहिए हमारे साथ। कानपुर कमिश्नरेट स्थित मोलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज रखने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से यहां रहने वाले आरोप को बांग्लादेशी नागरिक, उसकी पत्नी, 2 बच्चों और उसके बुजुर्ग ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 14 लाख रुपए से अधिक नकद भी बरामद किया गया है।
और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, आधार कार्ड जिस तरीके से बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा गया है, उनका आधार कार्ड, क्या है पूरा मामला? पकड़े गए हैं। मैं बता दूं कि युवक के पास 3 अलग नामों के फर्जी आधार कार्ड मिले थे और ये कहीं ना कहीं सपा विधायक रिफंस पलंकी की मुसीबतें और बढ़ती चली जा रही हैं। सपा विधायक रिफंस पलंकी और सपा पार्षद मुन्नू रहमान ने अपने लेटर पैड पे बांग्ला इनको सर्टिफिकेट दिया था कि मैं भली भांति इनको जानता हूँ। और हालांकि बांग्लादेशी युवकों के पास कई देशों की विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है और फर्जी पासपोर्ट से ये युवक कई बार बांग्लादेश और पाकिस्तान भी जा चुका था। इसके अलावा लगभग कुल 6 देशों की इसने यात्रा की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कानपुर का। और ये भी बता दूं कि कानपुर में हालांकि इसकी जांच कानपुर पुलिस ने एटीएस को भी दी थी, तो एटीएस कहीं ना कहीं इसकी जाँच करेगा। इसके अलावा ये जो इसमें जितने भी संदिग्ध हैं सबका जो मुकदमा है मूलगंज थाने में दर्ज कर लिया गया है। जी, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। गोंडा में सिंचाई की सुविधा के लिए चलाई जा रही सरयू नहर परियोजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। इस वजह से किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सुविधा के लिए खुद सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ किया, लेकिन अफसरों की लापरवाही की वजह से किसानों की सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या जो बारिश होता है तो पानी आता है, नहीं तो पानी वानी नहीं आता है। अब पूरी देख लो, यहाँ से पूरा अगर नहीं है तो वीडियो घुमा के देख लो, पूरा सिंचाई के लिए सब पड़ा है। रखी जाए तालाब जितने सब पट्टे हो चुके हैं मछली पालन के लिए, उसमें से कोई बोरिंग रखने नहीं देता इंजन, तो आदमी सींचेगा कहाँ से। हमने तो वही बारिश के टाइम हम लोग देखे हैं, इसके बाद में तो उन्हें इसमें कुछ नहीं देखा गया। कुलाबा आप देख लिए, कहीं से कहीं नहीं बना हुआ है, कुलाबा है नहीं। तो आदमी अगर बारिश अगर मान लो छोड़ भी दे, सींचेगा कैसे? कुलाबा भी तो नहीं बना हुआ है, कोई चीज़ यहाँ वो नहीं है। योजना है ये पिछले 9 जिलों को कवर करती है और इसका निर्माण पिछले 30 सालों से चल रहा था, सभी लोग जानते हैं। लास्ट ईयर ही हमने इसको पूरा अच्छी तरह पूर्ण की है और माननीय प्रधानमंत्री से लोकार्पण किया है। इसके साथ में जैसे भी कोई नई चीज़ बनती है, नया चीज़ नहरें बनती है, तो एकदम उनको हम पहले की तरह एकदम उनको संचालित नहीं माना जा सकता। अभी हमारी छोटी छोटी उसमें कमियाँ आ रही हैं, उनको छोटी कमियों को हम दूर करते हैं। यद्यपि मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में इस बार के सूखे में इन नहरों ने, सरयू नहर की परियोजनाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरे पास इसके लिए काफ़ी गांव वालों के धन्यवाद भी आए हैं और सभी नहरों में जाकर पानी अच्छा तरह चला है। फिर भी जैसा आपने बताया कुछ नहरों का, मैं इनका दिखा भी लूँगा। हमारे यहाँ खाली 1-2 नहर है जिसमें गैप होने के कारण, मतलब उस नहर का जमीन न मिलने के कारण उसमें नहर नहीं बन पाए, तो नीचे की नहरों में पानी नहीं आ। गोंडा में कोतवाली कर्नेलगंज के अंतर्गत भभुआ चौकी के पास दिल्ली से आ रहे यात्रियों से भरी डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे, बस ट्रैक्टर से टकराकर बस पलट गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा और क्रेन बुलवाकर बस को खाई से निकलवाई गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।